नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सिंह। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में। पेश करते हैं ईपीएफ से संबंधित बड़ी खबर। जब कोई ट्रेनी या इंटर्न ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के लिए किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसे आमतौर पर कुछ स्टाइपेंड दिया जाता है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि क्या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन को इस स्टाइपेंड से काटा जाना चाहिए। आमतौर पर अगर कंपनी एम्प्लॉय के पीएफ और मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत आती है तो एम्प्लॉयर और कर्मचारी को ईपीएफ अकाउंट में एक जैसा ही कंट्रीब्यूशन देना होगा। हालांकि एक्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि क्या कोई ट्रेनी या इंटर्न का स्टाइपेंड इसके दायरे में आता है। एक लॉ फर्म इंडस लॉ में पार्टनर सौम्य कुमार कहती हैं कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने यह स्पष्ट करने के लिए दो की सर्कुलर्स जारी किए कि क्या इंटर्न और ट्रेनी एक्ट के तहत कवर किए गए हैं। ये अक्टूबर 12, 2015 और 27 जुलाई 2022 को जारी किए गए थे। इन सर्कुलर्स के अनुसार ईपीएफओ ने उन कंडीशंस को सेट किया है जब इंटर्न और ट्रेनी के लिए ईपीएफ कंट्रीब्यूशन किया जाना है। इन दोनों सर्कुलर्स में कंडीशंस को सेट किया गया है कि कब इंटर्न और ट्रेनी ईपीएफ एक्ट के तहत कवर नहीं किए जाएंगे। ये ट्रेनी की इंटर्नशिप के नेचर पर निर्भर करता है। इन सर्कुलर्स के अनुसार किसी एजुकेशनल या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के किसी रिकग्नाइज्ड कोर्स के एक पार्ट के रूप में कंपनियों के साथ इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट ट्रेनी को ईपीएफ लॉ द्वारा कवर नहीं किया जाएगा। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि यदि ऑन द जॉब ट्रेनिंग रिकग्नाइज्ड कोर्स का एक इंटीग्रल पार्ट है तो उन पर ईपीएफ लॉ लागू नहीं होंगे। हाँ, लेकिन एक बार जब वह एक एम्प्लॉय के रूप में कंपनी ज्वाइन करेंगे तो सैलरी के अनुसार ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन करना होगा। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट ट्रेनी के लिए ईपीएफ से छूट के क्या क्राइटेरिया हैं। जुलाई 2020 में जारी ईपीएफओ सर्कुलर में कंडीशंस रखी गई हैं कि कब कोई इंटर्न या ट्रेनी ईपीएफ एक्ट के तहत कवर नहीं होगा। तो उनमें पहले है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट केंद्र या राज्य सरकार द्वारा रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। फिर दूसरा आएगा कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स का पार्ट होना चाहिए। तीसरा है जिस कोर्स के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग कंपलसरी है वो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। चौथी बात आ जाती है कि स्टूडेंट को कोर्स में मेंशन प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। अब अगर बताए गए क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा नहीं किया जाता है, जैसे मान लेते हैं कि स्टूडेंट ने खुद बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए इंटर्नशिप शुरू की है या कोर्स में मेंशन्ड ट्रेनिंग ड्यूरेशन का पालन नहीं किया है, तो मामले की और जांच करनी होगी ये देखने के लिए कि क्या ईपीएफ कंट्रीब्यूशन करना होगा। आम शब्दों में इसका मतलब है कि एक ट्रेनी या इंटर्न का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये तय करेगा कि क्या ईपीएफ कंट्रीब्यूशन स्टाइपेंड पर किया जाना है या नहीं। आज की न्यूज़ में इतना ही। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर।